वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैंने कुछ ऐसा फंकी पहना है बिकॉज थोड़ा मूड आ गया गोवा में तो। एंड अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मालवन, तो मनीष को स्पोर्ट्स करना है तो इसको बनाना राइड पे गिरते हुए देखने में मज़ा आएगा मेरे को तो वही के लिए निकल गए ऑलमोस्ट। अभी हेलमेट वेलमेट पहन के निकलना बाकी है, तो चलिए चलते हैं मालवन। अभी हम लोग हाईवे हिट कर चुके हैं एंड ऑल द वे टू मालवन। मजा आ रहा है राइड करने में काफी, क्योंकि वेदर जो है वो काफी अच्छा हो गया अभी, क्योंकि पूरे बारिश का वाला माहौल हो गया है एंड धूप पूरी हट चुकी है, तो इसलिए ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी के सारे आगे जा चुके हैं, उनको अभी कैचअप करते हैं हम। So, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड ये नज़ारा देखने के लिए रुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ऐसा नज़ारा है कोंकण का। तो मालवन यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है दूर। हम लोग आगे आ चुके हैं, बाकी के लोग आ रहे हैं पीछे से और मज़ा आ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तारकर्ली बीच एंड बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी। अब देख सकते हैं सामने ही बीच है, अभी हम जाएंगे थोड़ा बीच में पानी में वगैरह मस्ती वजह करेंगे, स्पोर्ट्स वगैरह करेंगे। और ये पपी न्यूडिटी, से हाय पपी। जैसे ही आप तारकर्ली बीच आओगे आपको बीच की खूबसूरती तो दिखेगी और यहाँ से इजीली सिंधुदुर्ग फोर्ट भी विजिबल है जहाँ पे आप जा सकते हो। एंड वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स अवेलेबल होते हैं, वो भी कर सकते हो। लिटरली इतनी गर्मी है कि हम लोग ने सब लोग ने ले लिया है गोला, और अच्छा गोला है। अगर आप आ रहे हो तारकर्ली बीच, जैसे एंटर करोगे ना सामने ही इनका गोले का शॉप है, यहाँ पे गोला एंजॉय करना। और मैं करने वाला कुछ हालांकि एक्सपेरिमेंट, अडल्ट गोला बनाने वाला हूँ। चीयर्स। मच नीडेड इन दिस गर्मी। फाइनली सिंधुदुर्ग किले के पास आ चुके हैं। मतलब यहाँ से अगर आपको जाना है तो यहाँ पे एक नॉमिनल फीस होती है, जहाँ से आप यहाँ से वो बोट पकड़ के आपको वहाँ पर किला है वहाँ पे लेके जाते हैं। मैं देख, वो देखिए वो जो सामने है वो सिंधुदुर्ग किला है। और मैंने अपनी बाइक यहाँ पे लाई है, तो मोस्टली सिर्फ लोकल्स को अलाउड है एंड आई नो द लोकल लैंग्वेज, तो इसलिए मैं लेके आ गया। रेस्ट अभी थोड़ा यहाँ पे फोटो क्लिक्स वगैरह लेंगे, थोड़ा शायद यहाँ पे बीच पे पानी वानी में जाएंगे। विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन एंड लेट्स सी। आप बने रहिए तब तक। सो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजकोट, से बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी है। अगर आप यहाँ पे आते हो लोकलाइज को पूछोगे आपको पता चल जाएगा। अंदर आपको फोटोजेनियस प्लेसेस बहुत है, फ़ोटोज़ वोटोज़ बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। एंड अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत बड़ा स्टैचू है छत्रपति शिवाजी महाराज का। सो एज़ यू नो छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी कहा जाता है, तो वही बोट्स के बारे में लिखा है, कौन सा टाइप की बोट्स को क्या बोलते थे कि तब के टाइम में। एंड बहुत बड़ा स्टैचू है ये। यहाँ पर पीछे के साइड में अगर आप आओगे इस तरफ, तो यहाँ पे फोर्ट्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी है, जैसे खंडेरी फोर्ट है, कुलाबा फोर्ट है एंड ऑल। और यहाँ से आपको प्रॉपर एक्सप्लोर कर सकते हो आजू बाजू। बीच साइड में आप स्पोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हो जिनको इंटरेस्टेड है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो इट्स क्लियरली विजिबल, दिस इज द सिंधुदुर्ग फोर्ट। एंड चूँकि पूरी तरह पानी में पैरासेलिंग वगैरह होती है यहाँ पे, तो आप कैन कम हियर एंड एक्सप्लोर। अब थोड़ा जाके टेम्परेचर उतरा है, 5:30 बजने और मुझे एसिडिटी हो चुकी है बहुत गंदी वाली, तो ट्राई किया मैंने, दवाई ली है कि एसिडिटी कम हो। लेट्स सी। पपी मस्त यहाँ पे चिकन दाली दबा रहे, बाकी लोग की भी आई है खाना। मनीष भाई मस्त बांगड़ा चेप रहा है और वैष्णव रुके मेरे लिए। और ये हम गरीब भूखे नंगे बिना थाली के बैठे, कब खाना आएगा मालूम नहीं। सो मैंने ऑर्डर किया सौंदड़ा थाली
और सब लोग ऑलमोस्ट खाना ही खा रहे हैं, बांगड़ा फ्राई, सुरमई फ्राई एंड ऑल। एंड ये यहाँ का लोकल फिश है सौंदड़ा, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो अभी हम सौंदड़ा थाली ट्राई कर रहे हैं, दो आए हैं मुझे पीस। एंड ये लोकल लोकल खाना ना बहुत कमाल का है। सो अभी हम मालवन में थे, जैसे आपने देखा अब तक खाना बिना हो गया, और अभी हम हमें शिमला बीच, ये भी काफ़ी खूबसूरत बीच है। अगर आपको सनसेट देखना है काफ़ी अच्छा, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, काफ़ी अच्छा सनसेट दिखेगा। बस सारे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, आई थिंक दिस इज़ अ सेफेस्ट स्पॉट अगर आपको स्विमिंग वगैरह करना है तो। स्पोर्ट्स का आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है कि नहीं, बट जब तक हमने अभी तक बीच देखा है इट्स वंडरफुल। सो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आइए। सो फटफट बीच अटायर में आ चुके अपन, और चेंज वेंज करके अपन जा रहे हैं अभी मस्त पैकी स्विमिंग करने। और आपको अगर नहीं पता होगा तो मुझे बीचेस बहुत पसंद है, जितने उतने माउंटेन्स भी। तो आई एम अ बीच एंड माउंटेन बोथ गए, एंड अभी हम सीधा जाने वाले समुंदर में। This is magical, guys. This is magical. And boys are already having fun over there. I'm just going over there. Let me show you. Oh, buddy. So guys, we are already having fun in the pool. Woo! So अभी हम लोग swimming कर रहे हैं. So ये vlog मैं यही खत्म करता हूँ. See you soon, guys, in the next video. तब तक like करो, share करो, subscribe करो. Woo! और मुझे swimming करने दो.